खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा अर्जेंटीना के फैंस वेक अप टू द रियलिटी नहीं। और कल मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में ये कहा था कि मैच से पहले कि सऊदी अरब ने अब तक के जितने भी गेम खेले थे, यानी कि लास्ट वाला गेम को छोड़ के, वो कभी भी जीते नहीं थे अर्जेंटीना से। दोनों बार वो मैच ड्रॉ कराने में कामयाब हुए थे, और कल का दिन ऐसा हुआ कि हिस्ट्री चेंज हो गई। कभी कभी आप अपने आप को सोचते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छे हो और आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो ओवर थिंकिंग और वो ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता है आपका कभी। और हमें यह पता था अर्जेंटीना के फैन होने के नाते, हमें ये मालूम था भैया ये कभी ना कभी होगा कि अर्जेंटीना की टीम अनबीटन रन ख़त्म होगा उसका, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अनबीटन रन जो ख़त्म करेगी वो टीम जो कभी अर्जेंटीना को हरा नहीं सकी। तो ये भी कल हमने नोटिस किया, हम लोगों ने कल ये भी चीज़ें देखी। और कल के मैच की अगर मैं बात करूँ सऊदी अरब की साइड से, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला और इन दी एंड उन्होंने फाइट करी, बहुत अच्छी फाइट करी, डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेला। और मैच का जो रुख चेंज किया ना, वो फर्स्ट हाफ के बाद अर्जेंटीना की वीकनेस जिसे कहो ना तुम, उसको वो नोटिस करते हुए उन लोगों ने चेंज कर दिया। उन लोगों ने पूरा मैच का नक्शा बदल के रख दिया, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कुछ ही सेकेंडों में ना वो गरूर का पहाड़ है ना वो गिरा दिया, ऐसा कहो, इस तरह से कह सकता हूँ भाई, उन्होंने इतनी बड़ी टीम को गिरा दिया कुछ ही सेकंडों में। मतलब मैच को मैं छोड़ के गया हूँ फर्स्ट हाफ के लिए, वापस आके देखता हूँ, मैं थोड़ी सी देर के लिए मैं गया, उसके बाद देखता हूँ कि वन अर्जेंटीना और टू सऊदी अरबिया की टीम। तो तीन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से दो ऑन शॉट टारगेट थे मेरे भाई, उसमें चीज़ें बदल गई, तो फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। और इस तरीके से ये मैच का एंड हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ एज ए फुटबॉल फैन। तो एज ए अर्जेंटीना के फैंस जो है ना भाई, उनके लिए बड़ा अच्छा था, उनके लिए ये बड़ी चीज़ें थी भाई कि आपको वर्ल्ड कप उठाना था, वर्ल्ड कप जीतना था, ये वो सब चीज़ें होता है, बड़ी बड़ी टीमें हार जाती हैं छोटे छोटे अपोनेंट से, लेकिन ये बहुत चीज़ गलत हो गई भाई, ये चीज़ ना बहुत आगे चली गई, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पार गुजर चुकी है। तो भैया ये सीन जो है ना बड़ा गलत हुआ, लेकिन कल बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं आराम से। वो मतलब जिस तरीके से वो खेल लेते ना सऊदी अरब की टीम को, मैंने सोचा नहीं था, मैंने कभी जहन गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये मैच इस तरीके से होगा। भाई लोग ये थी सारी कहानी, और कल का रात का मैच भी अच्छा हुआ ऑस्ट्रेलिया, और बेंजिमा का जो रिप्लेसमेंट है ना वो है ओलिवर जेरू, जिसकी मैं सोचता कि भाई ये बंदा है रिप्लेसमेंट अगर करीम बेंजेमा के बारे में इतना तुम्हें लगता है तो। लेकिन फ्रांस की टीम थी यार, वन साइडेड गेम था। अभी मोरोको और क्रोएशिया का मैच चल रहा है, तो वो भी विदाउट नील नील चारा, बस एक मिनट रह गए मैच खत्म होने में। तो यार ये थी अपनी कहानी। बाकी फुटबॉल के जितने भी फैंस वगैरह भाई मेरी वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, कहीं से भी देखते हो, तो यार चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी बनता है। तो भैया ये थी कहानी, बाकी अर्जेंटीना फैंस के लिए बड़ी नाइटमेयर साबित हो गई कल की रात, लेकिन ये है कि भाई होता है मैचेस वगैरह में किसी एक टीम को हारना होता है, यहाँ तो ड्रॉ हो रहा है, लेकिन कल से कुछ मैचेस ऐसे हैं जो ड्रॉ हो रहे हैं, पोलैंड और मैक्सिको वाला मैच भी ड्रॉ हो गया, तो यहाँ से एडवांटेज हो गया है दोनों टीमों को। ये भाई यहाँ से सऊदी अरब या अर्जेंटीना अगर कोई सा भी गेम जीतती है तो वो फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो अपनी तो कहानी ये है, लेकिन अभी ये वाला मैच मोरोको और क्रोएशिया वाला मैच जो है ना वो ड्रॉ हो चुका है। ताकि ये तुम लोग वीडियोस वगैरह सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ करो, तो भाई मज़ा आए चैनल पे, कम्युनिटी बढ़े, हम लोगों की आवाम आए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे, मेरी तो यही कोशिश है। बाकी तुम लोग देखते रहना यार, बाकी ये है कि बाकी मैचेस का रिव्यूज़ वगैरह मैं अपने चैनल पे करूँगा, जी पेज पे भी करूँगा, फुटबॉल बकचोदी के नाम से फेसबुक पे भी पेज है, तुम वहाँ पे भी आके देख सकते हो वीडियो, अगर यहाँ देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।